न्यू ट्रूप आने वाला है हमारे गेम के अंदर, और ये न्यू ट्रूप मेरे को तीन ट्रूप्स का मिक्सचर लगा। ये न्यू ट्रूप हम लोगों को टाउन हॉल 15 पे मिलना चालू हो जाएगा, और ये नॉर्मल ट्रूप है, डार्क ट्रूप नहीं। इसको हम लोग लेवल 17 बैरक करेंगे तो हमारा न्यू ट्रूप अनलॉक हो जाएगा। लेट्स गो गाइज। जिसका नाम है रूट राइडर। ये देखो गाइज, ये होने वाला है हमारा लेवल 17 का बैरक, जिसके अंदर हम लोगों को मिलने वाला है रूट राइडर। लेवल 3 का रूट राइडर मैक्स रहेगा, लेवल 1 और लेवल 2 आप लोग अनलॉक कर पाओगे टाउन हॉल 15 पे, और टाउन हॉल 16 पे मैक्स कर पाओगे। ये ट्रूप मेरे को तीन ट्रूप का मिक्सचर इसीलिए लगता है क्योंकि हॉग राइडर की तरह ये भी राइडर है। हॉग राइडर की तरह डिफेंस इसको टारगेट करता है, गोलम की तरह टैंक करने का काम करेगा, सबसे ज्यादा हिट पॉइंट है, और सुपर वॉल ब्रेकर की तरह वॉल तोड़ने का काम करेगा। अलग लेवल दे दी भाई सुपर सेल ने। आओ भाई इसके स्टैट्स देखते हैं। हिट पॉइंट देखो गाइस, लेवल 3 मतलब मैक्स लेवल का रूट राइडर का हिट पॉइंट देखो 8000 का हिट पॉइंट है। डैमेज पर सेकेंड 250 नॉर्मली तो है, नहीं भाई नॉर्मल नहीं है, वॉल तोड़ देता है ये। उसके बाद इसका फेवरेट टारगेट है डिफेंस, सिर्फ डिफेंस की तरफ भागेगा। अभी अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे गोलम के साथ, मैक्स लेवल के गोलम का हिट पॉइंट है 9200, वहीं पे गोलम का जो हाउसिंग स्पेस है वो 30 है, और वहीं पे रूट राइडर की हिट पॉइंट की बात करें तो 8000 का हिट पॉइंट है लेवल 3 रूट राइडर का, और इसका हाउसिंग स्पेस है सिर्फ 20। जैसे गोलम डिफेंस इसको टारगेट करता है, ये भी डिफेंस इसको टारगेट करेगा, लेकिन गोलम वॉल के ऊपर स्टक हो जाता है, वॉल फोड़ते बैठता है, लेकिन ये ट्रूप वॉल के ऊपर स्टक नहीं होता है, वॉल को उड़ा डालता है। तीन लेयर की वॉल हम लोगों ने यहाँ पे रखी है, और यहाँ पे हम लोग डिप्लॉय करेंगे तो सिर्फ डिफेंस इसकी तरफ ये ट्रूप भागेगा, और वॉल्स भाई इसके लिए वॉल कुछ भी नहीं है भाई, मतलब एकदम नॉर्मल। देखो देखो देख रहे हो कैसे वॉल फोड़ते हुए जा रहा है डिफेंस की तरफ, और इसका हिट पॉइंट 8000 का है। तो सबसे अच्छी बात, सभी लोग इसको टैंक के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं से भी डालो वॉल का फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे अगर डाल देते हैं इसको तो ये देखो भाई डिफेंसेस की तरफ भागेगा, लेकिन वॉल की कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा डिफेंसेस की तरफ ये चला जाएगा, वॉल फोड़ते हुए वॉल को भी फोड़ देगा। सुपर वॉल ब्रेकर भी इसके अंदर है, हॉग राइडर भी है, और गोलम भी है, तीन ट्रूप मिला के एक ट्रूप बना दिया सुपर सेल ने। रूट राइडर को डायरेक्टली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं गोलम के साथ, तो यहाँ पे रूट राइडर डाल के यहाँ पे गोलम डाल देते हैं। देखो भाई रूट राइडर भी डिफेंसेस को टारगेट करता है, गोलम भी डिफेंसेस को टारगेट करता है, लेकिन ये जो बड़ा वाला गोलम है भाई ये बेचारा वॉल्स के ऊपर फंस सा जाता है, लेकिन वहीं पे रूट राइडर उसके लिए वॉल कोई ऑब्स्टेकल है ही नहीं, वो सिंपली चला जाता है वॉल फोड़ते हुए, लेकिन बड़ा वाला गोलम अपना रुक जाता है बेचारा वॉल फोड़ते हुए। और अच्छी बात यह है कि 20 हाउसिंग स्पेस में आप लोगों को 8000 का हिट पॉइंट मिल रहा है, वहीं पे 25 हाउसिंग स्पेस जो मैक्स लेवल का पेक्का है उसका सिर्फ 7700 हिट पॉइंट है, उससे भी ज़्यादा हिट पॉइंट है भाई इसका, मतलब पेक्का से भी ये बेहतर काम कर रहा है। देखो एक तो इसने अपने एक्सबो को फोड़ा ही फोड़ा, उसके बाद ये जा चुका है गोलम वाले एक्सबो के ऊपर, देख रहे हो कितना पावरफुल है, और वॉल फोड़ते हुए जाता है। वैसे तो यार रूट राइडर्स को हम लोग अलग अलग आर्मीज के अंदर यूज कर सकते हैं, इसकी भी बहुत सारी आर्मीज बन सकती है, लेकिन यार मेरे को एक सिंपल आर्मी लगी है जो हम लोग लोअर टाउन्स पे भी यूज करते थे, जैसे कि टाउन हॉल 12 के ऊपर 13 के ऊपर हम लोग यटीज के पीछे सुपर आर्चर स्पैम यूज करते थे, सेम चीज यहाँ पे करनी है रूट राइडर के साथ। रूट राइडर के पीछे हम लोगों को सुपर आर्चर स्पैम मारनी है, ये रहेगी हमारी आर्मी, और हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे लॉग लॉन्चर को। देखो भाई सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यटी और एक दो विजर डालेंगे फनल के लिए, यहाँ पे भी यटी और एक दो विजर डाल देंगे फनल के लिए, ठीक है। उसके बाद सिंपली वॉल ओपन करेंगे यहाँ से, उसके बाद एक और दो स्केलेटन्स ऐसे डालेंगे, उसके बाद रूट राइडर रूट राइडर रूट राइडर रूट राइडर आइस गोलू, ये आएंगे सारे के सारे सुपर आर्चर्स हीरोज आएंगे हमारे, लॉग लॉन्चर आएगा हमारा यहाँ से। देखो भाई फनल बनाना ज़रूरी है इस स्पैम के अंदर, उसके बाद सिंपली पॉइजन स्पेल को हम लोग यहाँ पे उतार देंगे, एक रेड स्पेल को हम लोग यहाँ पे उतार देंगे, ओके इनकी एबिलिटी इस्तेमाल करेंगे, उड़ाव की एबिलिटी इस्तेमाल करेंगे। आर्मी देखो भाई काफ़ी अच्छी तरीके से पुश हो रही है, यहाँ पर डाल देंगे हम लोग एक स्केलेटन स्पेल को, ओके अभी भी देखो भाई काफ़ी अच्छी तरीके से आर्मी हमारी पुश हो रही है। यहाँ पे एक रेज इस्तेमाल करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक फ्रीज इस्तेमाल करेंगे, टाउन हॉल हम लोगों का यहाँ से मिल चुका है, अभी भी अपने पास स्केलेटन स्पेल वगैरह बच चुका है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग ये स्केलेटन के साथ और आरसी के साथ कि हम लोग यहाँ पे डाल के इसको ऐसे डाल सकते हैं, ओके और दो हेड हंटर भी लगा सकते हैं हम लोग एनिमी किंग के लिए। आर्चर वार्चर बचा हुआ है तो यहाँ पे डाल दो, ये मिनियन आर्चर यहाँ पे डाल दो, चारों हीरोज नहीं तीन हीरोज जिंदा, क्वीन हमारी मर चुकी है, क्वीन एकदम कोर में चली गई थी। और यार मेरे को तो यही बेस्ट लगा रॉयल चैंपियन के ऊपर इस्तेमाल करना, क्वीन के ऊपर इस्तेमाल करना
आप कर सकते हो क्वीन के ऊपर ये लोमड़ी का इस्तेमाल, लेकिन वो तब कर सकते हो जब आप लोग स्पैम अटैक कर रहे हो, साइड में क्वीन को भगा रहे हो। लेकिन क्वीन चार्ज के ऊपर यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तब आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो जब आप लोग क्वीन के साथ सिर्फ बाहर से डिफेंसेस यूज कर रहे हैं, चार्ज नहीं करना बेस के अंदर। सिंपल। देखो भाई, इस आर्मी के साथ ये वाला बेस तो निपट गया काफी इजी तरीके से। मल्टीपल तरीके से हम लोग रूट राइडर को यूज कर सकते हैं, टैंक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपली हम लोग डायरेक्ट टाउन हॉल लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस बेस के ऊपर अगर मैं लावा लून कर रहा हूँ, लावा लून के अंदर भी मैं यहाँ पे टैंक के लिए यूज कर रहा हूँ और वॉल ओपनिंग के लिए यूज कर रहा हूँ अपनी रूट राइडर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कंपार्टमेंट डाउन करूँगा। टाउन हॉल में तो इसके साथ जाऊँगा, क्वीन के साथ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये डाल के ये डालूंगा ब्लिंप को, एटी ब्लिंप करूंगा। ओके, यहाँ पे रेज क्लोन। ओके भाई साहब, यहाँ से हम लोग काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल जाएगी ना भाई। अरे मिल जा मल्टी, मिल जा भाई। वाह गाइस, मल्टी इन्फिर्नो हम लोगों को मिल चुका है और काफ़ी अच्छी वैल्यू हम लोगों को यहाँ से मिल चुकी है। अभी मैं एक काम करूँगा, किंग को यहाँ से बाहर की साइड पर चलाऊँगा, रूट राइडर डालूंगा और क्वीन को डालूंगा। उसके बाद एक बलून डाल के ये एक विजर डाल दूंगा, पॉइजन आ जाएगा भाई सीसी के ट्रुप्स के ऊपर। चलो, रूट राइडर ने मेरे को ओपनिंग दे दी है। अरे 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 अरे, ये थोड़ा गलत कर दिया मैंने काम, किंग गलत आ गया हमारा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्वीन तो टाउन हॉल यहाँ से निकाल ही लेगी, एबिलिटी इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, ये लो भाई, काफ़ी अच्छी वैल्यू हम लोगों को यहाँ से मिल चुकी है। एक काम करता हूँ, रूट राइडर डाल के यहाँ पे रॉयल चैंपियन को लगा देता हूँ। ओके, एक आइस गोलम भी लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि दिक्कत ना हो। उसके बाद सिंपल लालो करना है अपने को, ये डाल के लालो चालू कर डालेंगे। ओके, नाइस, बुड्ढे की एबिलिटी देंगे यहाँ पे। एक हेस्ट, लावा, बलून्स फ्रीज लगाएंगे यहाँ पे, ऊपर की साइड से भी कुछ बलून्स आएंगे, वापस एक फ्रीज आएगा, रॉयल चैंपियन कर रही है एक नंबर काम, फ्रीज रेज लगा डालूंगा यहाँ पे एक, पीछे से मिनियंस आएंगे, अभी भी एक फ्रीज बचा हुआ है हमारे पास। ये मल्टी आर्चर टावर है देखो भाई, एक हेड हंटर यहाँ से लगा दूंगा, यहाँ पे ये दो। ये देखो भाई कितना इजी पीजी तरीके से हो गया, सिंपल भाई। देखो इस बार ना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि टाउन हॉल तो मिलना ही है अपने को, क्योंकि भाई कैसे भी वॉल रहे, बस वॉल के पीछे अगर डिफेंस है तो सिंपली डाल दूंगा मैं रूट राइडर को, सिंपली मेरे को डायरेक्ट रूट राइडर के साथ टाउन हॉल मिल जाएगा, दैट्स इट, खत्म। ये देखो भाई कितना इजी पीजी तरीके से हो गया अटैक। और हाँ, अभी एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये रूट राइडर का इस्तेमाल कौन से तरीके से सबसे बेस्ट हो सकता है, ये आप सभी लोग कमेंट करके बताओ। आपके जो तरीके होंगे उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है, जिससे कि हम सभी लोगों को पता चले कौन सा बेस्ट तरीका है। तो बस आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, और भी एक इंटरेस्टिंग स्नीक पिक आने वाला है, मैं मिलूंगा अगले स्नीक पिक के अंदर, तब तक के लिए बाय।